स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस जो हैं काफ़ी हद तक काबू में आ गए हैं। केसेस कंट्रोल में आने के बाद राज्य सरकार ने पूरे महाराष्ट्र को अनलॉक करने के लिए 5 चरण जो हैं वो घोषित किए हैं, यानी चरण दर चरण जो है पूरे राज्य को धीरे धीरे खोला जाएगा। अगर खासतौर पर बात करें आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो मुंबई को थर्ड लेवल पर रखा गया था, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना के केसेस मुंबई में कम हुए हैं और अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता बढ़ी है, उसके मुताबिक मुंबई जो है तीसरे से अब दूसरे चरण में आ गया है। लेकिन बीएमसी ने फिलहाल के लिए मुंबई को तीसरे चरण में ही रखने का फैसला किया है। अब इससे क्या होगा कि जो मुंबई कर थे, जिनको कुछ रियायतों की दरकरार थी, वो अब उसका इंतज़ार थोड़ा और बढ़ गया है। कोरोना की दूसरी लहर पर काफ़ी हद तक काबू पाने के बावजूद मुंबई में और रियायतों का इंतज़ार अभी बढ़ गया है। शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मुंबई लेवल 3 से लेवल 2 में आ गई है, लेकिन बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल ने इसे फिलहाल लेवल 3 में ही रखा है। बीएमसी ने शुक्रवार रात में जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया कि लेवल 3 का स्तर ही अगले आदेश तक जारी रहेगा। बीएमसी के अनुसार एमएमआर से लोकल ट्रेनों से आने वाली भीड़ समेत अन्य पहलुओं को देखते हुए सही समय पर छूट बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। राज्य सरकार के आंकड़ों में मुंबई के लेवल 2 में आने से उम्मीद बनी थी कि मॉल्स और थिएटर 50% क्षमता के साथ और सरकारी दफ्तर 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। एडिशनल कमिश्नर सुरेश ककानी ने कहा था कि छूट का दायरा बढ़ाने से पहले हम कुछ दिन और कोरोना केसों पर निगाह रखेंगे। राज्य सरकार ने 4 जून से 10 जून के बीच का कोरोना का आंकड़ा जारी किया है। इसके मुताबिक मुंबई में इस दौरान 269,659 लोगों का टेस्ट किया गया है। इनमें से 11,878 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए। इस तरह मुंबई का पॉजिटिविटी रेट 4.40% रहा। मुंबई में 12,993 में से 9,177 ऑक्सीजन बेड खाली हैं। सिर्फ 3,416 ऑक्सीजन बेड पर मरीजों का इलाज हो रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।